लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से हार्डवेयर आपको देखने चाहिए और उन हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर के बेसिस पे कैसे हार्डवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आज हम इसकी इस पार्ट पे हम बात करेंगे। मेन चीज तो यही है कि आपको एक बजट प्राइस लैपटॉप चाहिए, उसके लिए आपको और ज्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। इस पूरी वीडियो को देखने से आपको कुछ चीजों का फायदा होगा, जैसे कि सबसे पहला नंबर, आप एक ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर मुझे यूज करने हैं फ्यूचर में। दूसरी चीज, आप ये समझ पाओगे कि उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज, मैं प्लस अपना एक प्रो टिप दूंगा कि आप क्या क्या जो है बेटर कर सकते हो अगर आप एक लैपटॉप बाय करने जा रहे हो तो, क्योंकि मैंने जब खुद अपना लैपटॉप बाय किया है तो मैंने ये चीजों का मैंने ध्यान में रखा है, तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, वो प्रो टिप है। तो देखो, सब कुछ जो है सब कुछ आप समझते जाएगा लाइन से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैं जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं उसकी स्क्रिप्ट बना के करता हूँ, यानी फालतू चीजों को मैं मोस्टली काट देता हूँ। तो ये पूरा सब कुछ समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो देखो, सॉफ्टवेयर्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर्स को हम डिवाइड करेंगे पांच पार्ट में। पांच टाइप के ये सब ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर में, जब इंजीनियरिंग कर रहे हो या जब इंजीनियरिंग करोगे तो। तो एक एक करके मैं अब इन सभी की मैं बात करना चालू करता हूँ और उनके मैं रिक्वायरमेंट्स भी तुरंत ही तुरंत मैं बताते जाऊंगा। तो वो सारी चीजें आप या तो नोट डाउन कर सकते हो या तो सुन लीजिए, बाद में जब आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिफर कर लीजिए। तो पहले पार्ट के अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर एक इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है फ्री फायर, पबजी। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम जो फालतू के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि, और जो हम इंजीनियरिंग में जो यूज करने वाले हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को हम यहीं पे हम छोड़ देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट मेरे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप देख सकते हो व्यूज कुछ खास आते नहीं है, मतलब आपके जो लाइक होती है वो थोड़ा हमें मोटिवेट करती है ऐसी वीडियोस बनाने में, थोड़ा मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अब सीधे चलते हैं पार्ट टू पे, यानी दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो। तो देखो, जो दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हैं आपके एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हो गए वो सारे। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जब आप रिसर्च पेपर करोगे या फिर असाइनमेंट्स करोगे तो आपको जो एमएस ऑफिस है इसका आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये सभी की में चल जाता है, ऐसा कोई लोड नहीं होता है। ये छोटे से छोटे लैपटॉप में भी एमएस ऑफिस आपका चल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट है वो है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग देखो, वो कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, आज के टाइम में जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जैसे ये सब लैंग्वेजेस हैं, वैसे एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो आपको प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी, बट अगर आप दूसरा कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो सीएससी के अलावा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा और कोई और इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको उतनी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है। तो स्पेशली अगर आप सीएससी के स्टूडेंट हो तो मैं उनको बता दूं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने वैसे लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं बताता हूं। अगर आप एक सीएससी के स्टूडेंट हो तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक आपको अच्छा एसएसडी चाहिए, वो कम से कम 250-300 GB के आसपास होना चाहिए एसएसडी। ग्राफिक कार्ड आपको बहुत अच्छा नहीं चाहिए, नॉर्मल ग्राफिक कार्ड से काम चल जाएगा। तो मैं कहूंगा जितना पैसा आप एक ग्राफिक कार्ड में लगाओगे उससे अच्छा वो उतना पैसा आप निकाल के जो है ग्राफिक कार्ड से बचाकर आप उसके प्रोसेसर पे लगा दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो देखो, i3 हो, i5 हो और i7 कोई भी प्रोसेसर हो, आपका लगभग काम चल जाएगा, बट डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हो। अगर आप बहुत हैवी वर्क करोगे, यानी आप हैवी वर्क क्या करोगे, आप कोई भी लैंग्वेज को आप लिखोगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग करने के बाद जब आप उसको एंटर दबाओगे तो वो क्या होगा कि वो कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब जितना आपने इन्फॉर्मेशन दिया है उस सभी को एक टाइप से प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेस का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आपका जो प्रोसेसर है वो सही नहीं है। यानी प्रोसेस टाइम जो है उसको कम करने के लिए मुझे जो है एक जो हमारा प्रोसेसर है उसे हमें अच्छा लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी आधे घंटे की मान लो लेक्चर है और एक घंटा आपका प्रोसेस होने में लग गया, तो वो जो लैपटॉप है वो उतना सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, फिर जो बहुत स्लो हो जाओगे अगर आप बार बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रोसेसर आप एक अच्छा लीजिए अगर आप एक सीएससी के स्टूडेंट हो। सीएससी के अलावा और कोई और भी ब्रांच है, सभी ब्रांच को मैं कहता हूँ कि आप नॉर्मल लैपटॉप भी लोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें इतने हाई लेवल के हमें काम नहीं करना होगा। तो देखो, अब ये वीडियो जो है वो मेन लोगों के लिए जा रहा है जिनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनी है, और वो पॉइंट्स हैं, चौथा पॉइंट है और पांचवें पॉइंट के लिए।
चौथा पॉइंट जो है वो आपका डिजाइन एक्टिविटी, और पांचवा पॉइंट जो है वो टेस्टिंग के लिए। तो मैं ये सभी चीजों के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मुझे स्पेशली अगर मुझे एरोस्पेस या एरोनॉटिकल के बारे में बोलना होगा तो मैं वहां पे आपको इंडिकेट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट फोर के बारे में, डिजाइन एक्टिविटी के बारे में। तो देखो, डिजाइन एक्टिविटी में हम करते क्या है, डिजाइन एक्टिविटी में हम किसी भी जो फ्यूचर में बनाने वाले, जो फ्यूचर में हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम पहले ही एक कंप्यूटर में बना लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाती है। उसको हम 3D होता है, हम देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कार बना रहे हैं फ्यूचर में कि हम मुझे एक टेस्ला जैसी कार बनानी है, इलेक्ट्रिक कार बनानी है, तो उसे हम क्या करेंगे कि उसे हम पहले लैपटॉप में 3D बना लेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि उसका शेप कैसा होगा, कितना कैसा दिखेगा, वो सब कुछ हमें मालूम चल जाएगा। तो हम डायमेंशन भी जो है हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल बना के देखो तो उसमें कॉस्ट आएगा अगर आप बार बार डायमेंशन चेंज करो तो। बट यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, वहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इस जो है लैपटॉप का हम यूज़ करते हैं 3D डिज़ाइन बनाने के लिए। ये इंजीनियरिंग में बहुत ही कॉमन चीज़ है। 3D डिज़ाइन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे है, कैटिया का हम यूज़ करते हैं, सॉलिड वर्क का यूज़ करते हैं, फ्यूजन 360 यूज़ करते हैं, ऑन सेप, सॉलिड एज, स्केचअप, ऑटो कैड, फ्री कैड, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। गुड, तो अब हम ये बात करते हैं कि ये सब कुछ काम करने के लिए हमारे पास जो लैपटॉप है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए अगर हम डिज़ाइन एक्टिविटी का काम करते हैं। तो इस डिज़ाइन एक्टिविटी को हम थोड़ा समझने के लिए इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बिगनर, एक मिड और एक प्रो। बिगनर जो है वो हम मान रहे हैं कि ये 20-30% जो है पूरे सॉफ्टवेयर का ये यूज़ करेगा, यानी छोटे लेवल पे ये यूज़ करेगा, उतना हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाएगा। मिड में बात करें तो मिड में जो है करीबन 50-60% 70% तक जो है ये यूज़ करेगा उस पूरे सॉफ्टवेयर का, एक थोड़ा जो है मिड रेंज का जो है लोड जो है वो लैपटॉप के ऊपर डालेगा। तीसरा जो है प्रो जो है वो 100% 70-80-90-100% का ये यूज़ कर सकता है, और ये एक हैवी जो है टास्क, यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हैं वो बनाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की ये सभी के लिए अलग अलग होगी। तो अब हम बात करते हैं इस डिज़ाइन एक्टिविटी में जो बिगनर और जो मिड के जो यूज़र हैं उनको क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले तो इनको प्रोसेसर की बात करें हम, तो प्रोसेसर एवरेज प्रोसेसर जो है जैसे i5 हो गया ये चल जाएगा, या i5 की इक्विवेलेंट अगर आप ले लेते हो, AMD का ले लेते हो, राइजन का ले लेते हो, तो वो भी काम चल जाएगा उससे। ग्राफिक कार्ड में भी यही है, ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड हो तो काम चल जाएगा, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैम की बात करें तो DDR4 8GB का रैम तो कम से कम होना चाहिए, और इसके अलावा SSD जो है वो हो तो ज़्यादा बेटर है। SSD से थोड़ा प्रोसेसिंग जो होता है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इतनी जो है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट डिज़ाइन एक्टिविटी के लिए अगर आप एक मिड रेंज तक करते हो तो। अब बात करते हैं प्रो की, अगर आप प्रो का काम करना चाहते हो तो बेसिकली जितने भी प्रो के काम होते हैं वो सब डेस्कटॉप से होते हैं। डेस्कटॉप थोड़े से सस्ते हो जाते हैं क्योंकि उनमें साइज़ का मैटर नहीं होता है, तो उनमें जो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है वो थोड़ा बड़ा भी यूज़ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बट लैपटॉप में हम बड़े ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो इतना मोटा भारी लैपटॉप हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी वो लैपटॉप नहीं वो डेस्कटॉप हो जाएगा। अगर हम प्रो की बात करें, यानी जब प्रो लेवल पर आप वर्क करोगे डिज़ाइन एक्टिविटी में, तो थोड़ा जो है आपको जो लैपटॉप जो है वो एक हैवी होना चाहिए, यानी एटलीस्ट जो है उसमें i5 तो बहुत मिनिमम हो गया, i7 होना चाहिए उसमें, ग्राफिक कार्ड हो और मच बेटर है, 8-16 GB जो है उसकी रैम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अब 16 GB रैम कह रहा हूँ, मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, और रैम भी जो है वो DDR4 तो मिनिमम हो, DDR5 हो तो ज़्यादा बेटर हो। तो ये सारे चीज़ें जो है आप उसमें करने वाले हो अगर आप एक प्रो लेवल पे वर्क करते हो एक लैपटॉप में। और SSD की बात करें तो SSD जो है SSD के भी कई सारे वर्जन आते हैं, तो जो भी कोई फास्ट वर्जन हो वो आप यूज़ कर लोगे। तो ये तो बात हो गई इनके प्रो की। तो अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट पे। देखो, पांचवें पॉइंट पे टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है और कैसे होती है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। टेस्टिंग देखो क्या होता है, टेस्टिंग में आप किसी भी चीज़ के ऊपर टेस्ट करते हो, यानी कोई भी लोड ले लिया, सपोज करो कोई कार हो गई, कार के ऊपर कितना जो है वो लोड डाल सकते हैं, कोई भी मटेरियल हो गया या कोई शेप हो गया उसके ऊपर कितना वो नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल के बाद वो टूट जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है हम टेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम अगर जैसे मेरा हाथ है और इस हाथ को मुझे टेस्ट करना है ये कितना जो है वजन उठा सकता है, यानी कितने हाथ की उंगलियां जो हैं वो कितने वजन के बाद वो पीछे को बैंड हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसके हर एक पॉइंट पे जो है वो एक मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, यानी अगर मुझे पूरा हाथ कैलकुलेट करना है
तो मैं हर एक पॉइंट पे जो है उंगलियों के मैं कैलकुलेट करूंगा। तो इसकी वजह से जो इसमें डेटा होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं दूर दूर कैलकुलेट करूं तो वो इतना एक्यूरेट नहीं देगा, अगर मैं जितना पास में इसको कैलकुलेट करूंगा वो उतना ही अच्छा और एक बेटर मतलब सोल्यूशन देगा टेस्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर का बात कोई नहीं। इसलिए हमें जो टेस्टिंग के लिए जो हमें लैपटॉप चाहिए वो थोड़ा एक ज्यादा होता है, यानी छोटे मोटे काम तो आप कर लोगे बट बड़े काम में दिक्कत होगी। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि एक प्रोसेसर में क्या डिफरेंट होता है। तो टेस्टिंग की बात करें तो इसमें कुछ टाइप के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जैसे कि आप कहोगे एनसिस हो गया और मैटलैब हो गया, ऐसे इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका हम यूज करते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सेम है, जो आपका डिजाइन के लिए जो प्रो का जो रिक्वायरमेंट था वही इसके लिए भी रिक्वायरमेंट होगा, एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ। और जब भी आप अगर आप किसी भी हल्के जो लैपटॉप में अगर आप डिज़ाइन करते हो और टेस्टिंग करते हो उसकी, तो कोशिश करिएगा कि टेस्टिंग के टाइम जो उसके नोट्स हैं यानी उसके जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा बड़े बड़े रखें ताकि टेस्टिंग ईजी हो जाए, वरना दो चार जन्म भी लग सकता है उसको टेस्ट करने में और आपका लैपटॉप जो है वो बज भी सकता है उसका बाजा। और इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसे कि इसमें जो रैम होगा वो 16 GB हो तो मच बेटर है, वही मैं बता रहा हूँ, फिर से आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, 8 से 16 GB इसका होना चाहिए। फिर SSD भी जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, एनसिस, मैं इसमें एनसिस का यूज़ कर रहा हूँ और एनसिस जब मैंने डाउनलोड किया था तो वो 20 GB का था और अभी वो 35 GB का है, और मैं मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे लग रहा है कि एक साल से जो है मैंने एनसिस का यूज़ नहीं किया है, उसके बाद भी जो है वो 35 GB का है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी जो फाइल साइज है वो बढ़ती जाती है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर का, तो इनके लिए स्पेस जो है वो ज़्यादा सही होता है। ग्राफिक कार्ड हो तो मच बेटर है, नहीं हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो देखो जो दोनों पार्ट की वीडियो उसका मैं कंक्लूजन देने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं आपको एक बार मैं प्रोसेसर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आपको फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब ऐसा इसका कोई रोल नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। अगर मान लो इस हाथ में मेरे पास कुछ डेटा है, यानी इस डेटा को मुझे ट्रांसफ़र करना है इसमें प्रोसेसर के साथ, तो बीच में जो है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये डेटा मेरा इनपुट डेटा है और ये मुझे मिलेगा आउटपुट डेटा। तो इनपुट डेटा में मान लो I3 है, यानी एक तार हमने जोड़ दिया, तो जो फ्लो है वो होगा, फ्लो तो होगा ही लेकिन एक लंबे टाइम तक होता रहेगा और डेटा को जो जाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए I3 में भी ऐसा नहीं है कि आप I3 में काम नहीं कर पाओगे, आप I3 में भी काम कर लोगे, बट जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा देर तक लैपटॉप जो है टाइम की वजह से जो है वो हीट ज़्यादा करेगा, तो हीट की वजह से जो है हो सके बीच में आपका प्रोग्राम बंद हो जाए या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और बीच में ही जो है वो प्रोग्राम आपका रुक जाए। अब मान लो आपने दो तार जोड़ दिया और ये I5 है, तो अब क्या होगा कि जो प्रोसेस टाइम है वो कम हो जाएगा, तो हीट भी लैपटॉप ज़्यादा नहीं करेगा और आपका काम भी हो जाएगा, जल्दी से ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं I7 के बारे में। I7 में हमने 4 जो है तार वो एक दूसरे से जोड़ दिए। अब जब 4 तार जो एक दूसरे से जोड़ देंगे तो प्रोसेस टाइम और ज़्यादा हो गया और आपका लैपटॉप हीट भी नहीं करेगा। तो यही एक डिफरेंस है एक प्रोसेसर में जो आपका लैपटॉप जब आप इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हो। तो होपफुली आपको ये चीज़ों में मैं बहुत ही सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सके आपको समझ में आ गया हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्राफिक कार्ड के में कुछ खास जरूरत नहीं है, कम ग्राफिक कार्ड में भी काम चल जाएगा, वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। बट मैं कहूँगा कि जब आप SSD लेते हो तो SSD जो है थोड़ा सा लेना कि थोड़ा बड़े साइज़ का लो, SSD जो है कम से कम जो है 400-500, आजकल तो 500 GB के भी SSD आ रहे हैं, तो 500 GB का SSD हो। अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो कम से कम 200-250 GB का SSD होना चाहिए और हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB का तो एटलीस्ट आता ही है, तो वो आप देख सकते हो। जो भी कुछ सी में जहाँ पर भी आप प्रोग्राम को रन करा रहे हो वहाँ 200-250 GB का होना चाहिए, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि इस प्रोग्राम की वजह से मुझे ये प्रोग्राम डिलीट करना पड़ेगा। तो एक मैं टिप देता हूँ, बिल्कुल प्रो टिप है, जब भी आप कोई लैपटॉप बाई करते हो तो कोशिश करो कि उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो दिए हो। यानी अगर मान लो आप एक रैम जो ले रहे हो और रैम जो है 8 GB का उसमें दिया हुआ है मान लो, तो उसमें अगर एक और स्लॉट दिया होगा रैम का दिया होगा तो आप बाद में रैम खरीद के उसमें लगा सकते हो, तो वो 8-16 GB हो जाएगा। यानी आपका जो एक रैम जो दिया है वो भी खरीदने की जरूरत नहीं, वरना क्या होगा कि मान लो उसको निकाल के और जो है दूसरा हम रैम लगाएंगे तो ये जो रैम जो पहले यूज़ कर रहे हैं ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा बहुत आप देख सकते हो जब आप एक लो बजट लैपटॉप लेने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड, भले आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया हो
लेकिन स्लॉट दिया हुआ है डीडी ग्रेड का, तो वो लैपटॉप मच बेटर है। यानी एक आप ऐसा लैपटॉप बाय करने की कोशिश करिए जिसके हम और भी उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं और भी हम उसे बेटर बना सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हो। और कैमरा भी जैसे हो गया, कैमरा उतना अच्छा कैमरा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लैपटॉप में उतने कुछ खास कैमरे आते भी नहीं है अगर आप एक मोबाइल से कंपेयर करो तो। आप 2000 का जो है 2500 का जो है अंदर में जो है कैमरा आ जाएगा वो आप लगा लो, वो ज़्यादा बेटर आपको देगा, ज़्यादा अच्छा दिखने में भी लगेगा और बेटर आपको देगा, वो आप देख सकते हो। होपफुली मैंने सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। एक लैपटॉप आपको इंजीनियरिंग लैपटॉप खरीदने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी सब कुछ मैंने बता दिया है। क्या क्या चीज़ें आपको देखनी ये भी मैंने बता दिया। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करेंगे ये भी मैंने बता दिया। फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस चीज़ के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अब कोई पार्ट छूटा है, कोई पॉइंट छूट गया है। अब एक प्रॉब्लम अभी आपको आ सकती है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। हम उसे देखे कैसे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें जो है स्लॉट है कि नहीं है, यानी उसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया है कि नहीं दिया है। ये यूजली आपको जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट जाओगे तब वो दिखेगा ही नहीं। तो अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक मैं वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर रिसर्च भी करना पड़ेगा कि कहीं वेबसाइट है कि नहीं ऐसी, बट मैं आपको एक रिसर्च करके मैं बताऊंगा। कुछ मैंने अपने ट्रिक मैंने यूज़ किए थे जब मैंने अपना लैपटॉप बाय किया था, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। आप उसका भी यूज़ करके आप एक जो है देख सकते हो कि इसमें वो कंफर्म कर सकते हो बेसिकली कि इसमें स्लॉट है कि नहीं है या फिर कौन सा स्लॉट है, ये सारे बारे में आप पता कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यार व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, यूजली जो है एरोस्पेस के स्टूडेंट हैं वही हैं जो कि इंडिया में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो रीच है मेरी वो ज़्यादा नहीं पड़ रही है। जो एक बोलते हैं इंप्रेशन जो पड़ता है एक एक वीडियो का दूसरे को कितने लोगों को शो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी मेरे हैं वो सारे एरोस्पेस के हैं और एरोस्पेस की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है इंडिया में। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करिए, आप दूसरे व्हाट्सएप पे शेयर करिए इसको, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करिए। थोड़ा बहुत मुझे फायदा होगा और जब मुझे फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि उसी हिसाब से मैं और भी अच्छे कंटेंट और मैं वीडियो मैं कंटिन्यूसली बना पाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे फायदा नहीं होगा तो फिर बीच में हो सके मुझे गैप छोड़ना पड़ जाए। मैं खुल के मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।